दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक ग्लास कॉकरोच का दूध पी सकते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। जब गाय, भैंस और बकरी का दूध अवेलेबल है तो कॉकरोच का दूध पीना ही क्यों है और इसे निकालते कैसे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कॉकरोच अंडे देते हैं, लेकिन कॉकरोच की सिर्फ एक प्रजाति पैसिफिक बीटल जो बच्चे देती है और इन बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करती है। इन कॉकरोच के दूध में नॉर्मल गाय भैंस के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक प्रोटीन होती है और 3 गुना ज्यादा कैलोरीज के साथ कई न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं जो नॉर्मल गाय भैंस में नहीं होती। इसीलिए साइंटिस्ट इनके दूध को सुपर फूड की कैटेगरी में रखे हैं। अब गाय भैंस का दूध तो निकल जाता है, लेकिन इस छोटे से कॉकरोच का दूध कैसे निकालते हैं। ये जो दूध होता है वो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म के रूप में कॉकरोच के पेट में जमा होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके पेट को काट कर दूध निकाला जाता होगा। दोस्तों, सिर्फ 100 ग्राम दूध के लिए लगभग 1000 कॉकरोच की बलि चढ़ा दी जाती है। अब आप ही बताइए कि सिर्फ थोड़े से प्रोटीन के लिए ऐसा करना कहां तक जायज है, जबकि हमारे पास प्रोटीन के और भी कई सारे सोर्स हैं। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।